हाँ तो फ्रेंड, हम लोग पिछले वीडियो में जीके का क्वेश्चन 40 तक देख चुके थे। अब 40 के बाद देखिए तो 41 नंबर का क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ए में है ह्वेनसांग, बी में है फाययान, सी में है निस्क, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधनों के साथ कब पारित हुआ? ए में है 2012, बी में है 2013, सी में है 2014, डी में है 2015। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? ए में है अनुच्छेद 11, बी में है अनुच्छेद 8, सी में है अनुच्छेद 9, डी में है अनुच्छेद 10। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44, प्रियदर्शनी झील कहाँ स्थित है? ए में है जम्मू और कश्मीर, बी में है केरल, सी में है लद्दाख, डी में है अंटार्कटिका। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 नंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ए में है 22 जून, बी में है 30 अप्रैल, सी में है 5 जून, डी में है 7 अप्रैल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? ए में है 1968, बी में है 1942, सी में है 1955, डी में है 1975। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई? ए में 1947, बी में 1935, सी में है 1944, डी में है 1928। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48 नंबर, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ए में है यूएसए, बी में है कनाडा, सी में है रूस, डी में है जापान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। नेक्स्ट 49 नंबर का क्वेश्चन है, रणजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ए में है राविब, बी में है चिनाब, सी में है नर्मदा, डी में है झेलम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राविब। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए में है रतुंधी, बी में है रक्तचाप, सी में है एनीमिया, डी में है थायराइड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ए में है 5 दिसंबर, बी में है 1 दिसंबर, सी में है 11 दिसंबर, डी में है 15 दिसंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए में है मुंशी राम, बी में है लक्ष्मण सिंह, सी में है देवीलाल, डी में है कांसी राम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांसी राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, निम्न में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? ए में है कृष्णा, बी में है गोमती, सी में है महानदी, डी में है साबरमती। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर का क्वेश्चन, भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए में है मुंबई, बी में है नई दिल्ली, सी में है कोलकाता, डी में है चेन्नई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। नेक्स्ट 55 नंबर का क्वेश्चन, दो देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतराल होता है? ए में है 2 मिनट, बी में है 3 मिनट, सी में है 4 मिनट, डी में है 6 मिनट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ए में 5, बी में 6, सी में 7, डी में 8। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का, कार्य का मात्रक क्या है? ए में है न्यूटन, बी में है जूल, सी में है किलोग्राम, डी में है वाट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगीचों का शहर किससे कहा जाता है या किसे होना चाहिए? ए में है चेन्नई, बी में है बेंगलुरु, सी में है मुंबई, डी में है जम्मू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ए में है ममता बनर्जी, बी में है सरोजिनी नायडू, सी में है सुष्मिता सेन, डी में है प्रतिभा पटेल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए में है सुचेता कृपलानी, बी में है कल्पना चावला, सी में है रजिया सुल्तान, डी में है बचेंद्री पाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बचेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगाई त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ए में गोवा, बी में है मिजोरम, सी में मणिपुर, डी में है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ए में है हिमाचल प्रदेश, बी में है केरल, सी में है मणिपुर, डी में है राजस्थान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है? ए में तमिलनाडु, बी में आंध्र प्रदेश, सी में केरल, डी में कर्नाटक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवीय दिवस कब मनाया जाता है? ए में है 23 सितंबर, बी में है 7 अक्टूबर, सी में है 19 अगस्त, डी में है 15 अगस्त। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी सागर बांध किस राज्य में भवानी नदी पर बनाया गया है? ए में गुजरात, बी में है महाराष्ट्र, सी में राजस्थान, डी में तमिलनाडु। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है? ए में है मैक्सिको की खाड़ी, बी में प्रशांत महासागर, सी में अटलांटिक महासागर, डी में हिंद महासागर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? ए में 1869, बी में 1905, सी में 1914, डी में 1980। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ए में है सर क्रिक, बी में मैगी नॉट रेखा, सी में रेड क्लिप रेखा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिप रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झीलें और उनके स्थान सही सम्मिलित नहीं है? ए में है लोनार गुजरात, बी में है चिल्का उड़ीसा, सी में है लोकटक मणिपुर, डी में है रूपकुंड उत्तराखंड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोनार गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के संदर्भ में MAN पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेट्रोपॉलियन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कृष्णा नदी कहाँ पर खत्म होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट ब्लेयर। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साबरमती। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।